ये देखिए अफगानी चिकन एकदम बनकर तैयार है और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। मैं मिसेस अनीता, स्वागत है आपका मेरे अनीता किचन में। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ अफगानी चिकन। चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे और कढ़ाई में हम मेथी को रोस्ट कर लेंगे, उसका हम पाउडर बनाएंगे और गैस को हम लो करके कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि क्या इसका पाउडर आसानी से बन सके। क्योंकि हमारे इस तरीके से इसे मसल हाथों से मसल लेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। ऐसे साथ हम काजू लेंगे और काजू में हम 2 चम्मच खसखस डाल देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे और इसका एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। चिकन अफगानी के लिए हम ग्रेवी बनाने के लिए थोड़े से धनिया लेंगे, धनिया पत्ते, थोड़े से पुदीने पत्ते लेंगे, 6 से 7 हम लेंगे लहसुन की कलियाँ, छोटा अदरक का, और 4 से 5 लेंगे हम हरी मिर्च। आप हरी मिर्च को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए लहसुन, अदरक, पुदीना और हरी मिर्च हमने इस तरीके से बारीक ग्राइंड कर लिया है और पोस्तों को भी जो हमने भिगो के रखा था उसे भी हमने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ऐसे हम साइड में रखते हैं और जो हमारे पास आधा नींबू था उसका भी हमने इस तरीके से नींबू का रस निकाल लिए हैं। हमने 500 ग्राम चिकन ली है इस तरीके से, चिकन लेग पीस है कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे पीसेस हैं और इन्हें हमने धोकर अच्छी तरीके से नमक के पानी में भिगो कर रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। और हम इस पानी में से निकाल लेते हैं चिकन को अब। इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे, और ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आधा हम नींबू का रस डालेंगे इसमें, और 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम काला नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और एकदम चुटकी भर हम जायफल का पाउडर डालेंगे, चुटकी भर हम जायत्री का पाउडर डालेंगे। इसे हमने घर में ही पीस लिया है और जायफल और जायत्री का आप ज़्यादा ना डालें क्योंकि इन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। 1/4 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे और कस्तूरी मेथी को जो हमने इस तरीके से रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे, छोटा 1 चम्मच। अब 2 टीस्पून हम इसमें बेसन डाल देंगे ब्लेंडिंग होने के लिए और थोड़ी सी हम फ्रेश क्रीम इसमें डालेंगे। आपके पास अगर अमूल फ्रेश क्रीम हो तो और ले सकते हैं, नहीं तो घर में जो हमारे पास दूध की मलाई होती है वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। और जो हमने काजू का भी जो हमने इस तरीके से पेस्ट बना लिया वो भी इसमें डाल देंगे। और हम एकदम दही का हमने सारा पानी इसका निकाल लिया है, इस तरीके से हमने कपड़े में दही को डाला है और इस तरीके से हमने कुछ देर के लिए दही को झुला के रख दिया था, इसके कारण इसका दही का जितना भी पानी था वो निकल गया है, इसलिए इसका दही हमारा इतना सूखा सूखा हो गया है। ये देखिए आप दही का सारा पानी निकाल लें उसके बाद ही इसमें डालें। इस तरीके से हम हाथों से अच्छी तरीके से हम इसे मिला लेंगे। अब इस अफगानी चिकन में एक थोड़ा सा रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें चीज़ भी इसमें हम डालेंगे। उसके लिए हम इस तरीके से हम चीज़ को इसमें रख देंगे काउंटर पे और थोड़ा सा इस तरीके से हम इसे प्रेस करते हुए इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे। ये देखिए हमने हमने चीज़ को इस तरीके से चिकना कर लिया है। ये देखिए चीज़ को हमने इस तरीके से चिकना कर लिया है। चीज़ एकदम टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास चीज़ हो तो डालें, इससे हमारा एकदम रेस्टोरेंट वाला एकदम टेक्सचर हमारे अफगानी चिकन में आ जाएगा। अब हम इस तरीके से मिला लेंगे, मिलाने के बाद हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे रेस्ट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो इसे कम से कम 8-9 घंटे के लिए अगर आप रखेंगे तो उससे इसमें टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए
चिकन को जो हमने फ्रिज में जो रेस्ट होने के लिए रख दिया था 8 घंटे के लिए, उसे हम निकाल लेते हैं। हमें चिकन को तलना नहीं है, हल्का सा हमें इसे तेल में थोड़ा सा इसे पका लेना है। अब हम चिकन के पीसेस को इस तरीके से ले लेंगे। हम कढ़ाई में 1/2 कप तेल डाल देंगे बैटर है चिकन को करते हुए पकाने के लिए इस तरीके से, और इसको सावधानी से डालें और फिर इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा दें और गैस की फ्लेम को आप हाई रखें। ये देखिए इस तरीके से आप और अगर आपकी कढ़ाई अगर छोटी है मेरी तरह तो आप क्या करें, पहले आप थोड़ा सा चिकन को आप इस तरीके से पका लें हल्का सा, उसके बाद फिर ये पक जाए तो फिर दूसरा इसमें पका लें। हाई फ्लेम पर हमने इन चिकन को 2 मिनट के लिए इस तरीके से पका लिया है। अब हम इन्हें हल्के हाथों से पलट लेंगे। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इस तरीके से हम इसे ढक देंगे। 3-4 मिनट के बाद हम इसे थोड़ा सा ढक्कन हटा कर देख लेंगे कि हमारे अच्छी तरीके से ये पक रहे हैं कि नहीं, जले तो नहीं है। इस तरीके से पलट पलट कर देखिए हम ढक्कन लगा देंगे और हम इन्हें 4 मिनट तक और हम इसे पका लेंगे। ये देखिए 4 मिनट के बाद हम फिर इसे ढक्कन को हटाते हैं और हमारा चिकन भी अच्छे से पक चुका है 80%। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये पक चुका है, ये देखिए। उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 8 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें तंदूर जैसा अखवानी स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस कढ़ाई को थोड़ा सा हटा लें। अब इन्हें हम थोड़ा सा तंदूर वाला स्मोकी फ्लेवर देंगे इसमें, और इस तरीके का अगर आपके पास स्टैंड हो तो ये ले लें। इसमें थोड़ा सा हम इस तरीके से ऑयल लगा देंगे और इस पर रखेंगे हम, और गैस को हम हाई मीडियम रखेंगे। और ये जो हमारा थोड़ा सा ग्रेवी जो इस तरीके से बच गई है वो हम इस तरीके थोड़ा सा इसमें लगा देंगे ऊपर में, और सावधानी से हम इस तरीके से एक एक करके रख देंगे। और थोड़ा सा हम इस तरीके से बटर या ऑयल जो आपके पास हो इस तरीके थोड़ा सा आप लगा दें, और फिर हम इस तरीके थोड़ा सा इसे पलट लेंगे इस तरीके से पलट देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे। और फिर हम इसके ऊपर से इस तरीके से ऑयल लगा देंगे ये देखिए हमारी अफगानी चिकन एकदम बनकर तैयार है और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। आप घर में एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। हमारी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।